ਤੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ दिक्कत पानी जो दीवारों के नीचे बढ़ता है और लेंटर भी बैठने का खतरा है। डेढ़ महीने से वो सामने ये केयर मैन ने कर दे रहा है दूसरा नाम है बाकी मैं कर दी है। मौजूदा सरकार ने पावर में आने के बाद बोला था कि हम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, घर घर में नौकरियां पहुंचाएंगे। हम यहां पे देखने के लिए पहुंचे हैं कि क्या वो वादे पूरे हुए हैं, क्या बेरोजगारी खत्म हुई है, क्या नौजवानों को रोजगार मिला है। हमारे साथ हैं इस वक्त गांव में ही। सर आपने क्या किया है? मैं जी BCOM कर रखी है जी। जॉब वगैरह मिली है? हाँ जी, मुझे मिल गई थी, बहुत पहले ही मिल गया था। बट जैसे हमारे गांव में बहुत ही सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट जब भी कोई सरकार आती है हम सबसे यही अपील करते हैं कि हर यूथ को नौकरी का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैलिबर रखते हैं, बट पिछले 5 सालों से जब से ये सरकार आई है हमने कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, कोई भी किसी को भी प्राइवेट। सरकार ने जरूर कहा था कि हम यूथ फेस्टिवल लगाएंगे, ये जो जॉब सेमिनार लगाएंगे, बट जो बच्चे मीन्स कोई किसी ने BTech कर रखी है, किसी ने MTech कर रखी है, वो वहाँ पे जॉब सेमिनार में जाते हैं उनको सिर्फ 12,000 या 13,000 की जॉब मिलती है, तो वो किसी को भी जस्टिफाई नहीं करती। हम लाखों रुपये इन्वेस्ट करते हैं बट हमें अगर 12 या 13,000 रुपये एक महीने का मिलता है तो वो सेटिस्फाई नहीं है। इससे अच्छा तो बंदा एक लेबर में मिल जाए, 400 रुपये एक दिन का मिलता है, 12,000 तो बंदा लेबर में लग के कमा सकता है, बट सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं एफर्ट किया गया। अब जब सरकार जा रही है तो एक पंजाब सरकार ने एक पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है निकाली थी, बट वो उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, पता नहीं अब फिजिकल अपना रिटर्न एग्जामिनेशन होके हटा है, तो अभी तो कुछ ही देर में हमें भी पता कि इलेक्शंस आने वाली हैं और जो चौन जाबता है लागू हो जाएगा पंजाब में, तो वो जॉब्स जो निकाली हैं वो इन बिटवीन ही सबकी हो जाएगी। बाद में हो सकता है रिट पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, वो जॉब कैंसिल भी हो सकती हैं, हो सकता है वो इन प्रोसेस पता नहीं कितने टाइम के लिए डिले हो जाए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि इस गांव के मेन जो दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। इस गाँव में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो सरकार ने कहा था कि हम लोग पूरा कर देंगे, लेकिन अभी जो है वो विकास हुआ नहीं जबकि इलेक्शंस आने को है? इस पिंड का कोई भी किसी तरह का विकास नहीं होया। साढ़े पिंड का छप्पड़ तो ही देख लो ये विच की हाल है, साढ़े पिंड के नाले देख लो उन्होंने विच बहुत भैड़ा हाल है, घा सारे दे विच जमया पिया, चार चपेरे नरेगा जे पहले तो 8 दिन का काम बड़ी मुश्किल नाल मिलता, जे मिलता उन्होंने पेमेंट नहीं बचे रहन आती, दोबारा काम करन तैयार नहीं। साढ़े पिंड जिहड़ा पानी है वो 8 महीने 9 महीने हो गए मैनूं लगदी, वो बिल्कुल इहा जिहा पानी आ रहा भी पशु भी नहीं पी के राजी उन्हों, जिन्हों असी नहाउण वास्ते तो मतलब अपने कपड़े भी लेने वास्ते भी यूज करते हैं घर वरतों वास्ते। CM का जो चेहरा है तुहाडे पास ही है उन्होंने घर, तो आपको उम्मीद है कि वो आपके इस गाँव की तरफ आपके गाँव के विकास की तरफ ध्यान देंगे? देखो पिंड एरिए दे होण करके भावें इधर उन्होंने टर्म बहुत थोड़ी है, 2.5-3 महीनों के बच्चों की करे इत जे आने भी तो लारे ला के जा सकते हैं, इन्नी जल्दी मैं उम्मीद नहीं हैगी भी वो साडा कुछ ना कुछ सुधार कर लेंगे। बुजुर्गो आपको उम्मीद है आने वाली सरकार आपके जो गांव का विकास कर पाएगी, जो वो वादे करती है वो पूरे हो जाएंगे? महाराज नहीं जी, नहीं कर सकती होगी। जो अभी तक मौजूदा सरकार थी है, क्या उन्होंने अपने वादे जितने भी किए थे वो पूरे हुए? नहीं पूरे जी, कोई पूरे नहीं जी, साढ़े कच्चे मकाना दे भी पैसे 3-4 साल हो गए जी, वो भी नहीं भेजे जेड़े मंजूर करे थे। क्या दिक्कतें हैं यहाँ? पूरे दिक्कत जी बहुत है, काम दियाँ दिक्कत जी, बेरोजगारी है, बच्चे किस तरह रोलते हैं जी, ऐसे उपर तो कोई बेरोजगारी के उपर कोई दिक्कत नहीं जी, और पानी की दिक्कत है, होर दसो जी। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जो सरकार बनेगी उससे उम्मीदें आपको लगती हैं कि गांव का विकास होगा आपका?
नहीं जी कोई अमीर तो नहीं जी इधर आ जाओ हाँ जी आपको है उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं जी है जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कहा था हमने गांव में विकास किया है कितना विकास हुआ वो पहला भी इसी तरह गल्लां बातें होंदी रही वोटां पवा लेने मंग है बाकी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई सिरे नहीं लगती अब जो चुनाव आएंगे उनमें आपके जो मुद्दे होंगे जो आपकी डिमांड्स होंगी जो जो भी विकास वगैरह को लेके या कोई भी वो कौन से मुद्दों को आप सामने रख के वोट डालोगे असी तो हूँ सारिया ही मूहरे रखी हुई गलत पानी की भी नहीं समस्या पूरी होंगी बाकी ये मुंडे न पढ़े लिखे हैं इन्हों की समस्या नहीं पूरी होंगी होर ही तो उपर न होर क्या होगा हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं सबसे उनसे पूछते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर गुजरता है वो है महिलाओं पर उनसे पूछते हैं मैम कौन सी मुश्किलें हैं जो इस गाँव में सबसे ज़्यादा आ रही हैं पहली मुश्किल तो साढ़े पानी की है हम तुम देखो इदा का पानी असी यूज़ करते हैं ये असी कपड़े धोते हैं यही असी नहाते हैं ये यही असी इनू भर के रखते हैं तो जो नतार लें उदो असी पीते हैं हूँ तुम देखो भी यह पानी पीण लायक है असी काफ़ी देर तो यह गुजारिश करी है उन्होंने अगे सरकार अगे भी भाई साडा पानी का बोर कराओ तो साढ़े टैंकी का बहुत माड़ा हाल है साढ़े इतने जिते लीक होंगी और लीक नहीं छे छे ठीक होंगी तो काफ़ी देर होगी सानू सैन करके भी असी दे चुके हैं पिंड के सारे इकट्ठे होकर भी साढ़े पानी की पहला समस्या हल होनी चाहिए है बाकी तो हम देखो बच्चे बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे नशे च जाई जा रहे हैं बच्चों को किसी नौकरी नहीं मिल रही छे छेती सो साढ़ी तो यही समस्या मेन समस्या साड़ी पानी की है तो नंबर दो साढ़े बच्चों जॉब चाहिए है देखो साढ़े बच्चे वेले घूमते हैं सानू भी चंगा नहीं लगता हर एक घर च गरीबी इसी करके दिक्कतें हैं जो इस गाँव में आ रही हैं साडा जी नरेगा का काम भी नहीं चल रहा तो साडा पानी भी साफ नहीं आ रहा तो ये पानी पी के आपको ये पानी पीना पड़ता है तो बीमार भी तो पड़ते होंगे हाँ जी बीमार पड़ते हैं जी पेट से दर्द रहता है जी पानी पीन करके और जी बच्चे साढ़े वेले बैठे हैं कोई नौकरी नौकरी नहीं हैगी तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं जबकि उन्होंने बोला था विकास होगा मतलब कि सब कुछ आपको गाँव में जो सहूलतें हैं वो शहरों जैसी मिलेंगी डिस्पेंसरी नहीं हैगी जी कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हैगा जे सानू कोई जरूरत पैंदी सानू खरड़ पहुंचना पैंदा जी एट ए टाइम कोई घर पर बच्चा होवे ना होवे गाड़ी होवे ना होवे इसकी मेहनत करिए जी है जी ना साढ़े बच्चे वास्ते कोई आंगनबाड़ी तो आंगनबाड़ी वो भी बंद हो चुकी है कोई पार्क वगैरह साढ़े को बच्चे खेलने वास्ते कुछ नहीं है जी पानी देख लो तुम समस्या देख लती है जिहा जि असी पानी असं मिट्टी आप मिट्टी घोलते चिकनी उ पानी आ रहा है ये तो फिर भी नतार के पानी लिया जी जो मौजूदा सरकार है या पार्टियां अभी भी वोट मांगने के लिए आएंगे कौन कौन से मुद्दों को लेके आप इलेक्शन में वोट डालेंगे मेन तो साडा हैगा पहला पानी है जे पानी साफ होगा जी तो देखांगे जी वैसे साढ़े समस्यावां बहुत है साढ़े टोबा भी देखो बहुत सफाई होने वाली है नाला बहुत ओदी सफाई होने वाली कुछ बन गया नवा कुछ थोड़ा रह गया है बाकी साढ़े हो रही कई काम अपना आंगनबाड़ी होगी जी स्कूल का हो गया स्कूल भी जे स्कूल ठीक होंगे ता ही बच्चे पढ़ सकनगे ता ही अगे जा सकनगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिनके अंदर भड़ास भरी हुई है मौजूदा सरकार को लेके मैं पूछ किसी और से रही हूँ बीच में बॉल बो रहे हैं उनसे बात करवाते हैं हाँ जी मैडम आपको क्या क्या शिकायतें हैं साढ़े ना डिस्पेंसरी आ ठीक है ना साढ़े गड्डी मोटर कोई नहीं आते टेंपू नहीं आता है ठीक है नाले साढ़े एक पानी की समस्या पानी नहीं साढ़ा साफ बिल्कुल भी जेड़ा कोई वोट मंगना आया असी वोट नहीं किसी ने भी देनी आपने ये ठान लिया हाँ असी नहीं पाते सरकार नहीं बनेगी फिर क्या होगा बनो चाहे ना बनो साढ़े किसी ने कुछ नहीं सवारना हाँ करूँगे खाऊंगे बस ना साढ़े बच्चे ने नौकरियां ने सारे मुंडे वेले फिर रहे हैं मैं जेड़ी बनी हुई ओही ने कुछ कर रही गांहाली ने क्या करना कुछ नहीं करना है गांहाली ने भी इसका मतलब मौजूदा सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए कोई वादा नहीं है पूरा बहुत वादे कर करके गए हैं पर क्या क्या वादे किए बथेरे भी थोड़ा सहूलत देंगे नौकरियां दूंगे थोड़े बच्चे काम करूंगे पिंड का सुधार करूंगे सारे पिंड के बच्चे वेले बैठे हैं जी किसी का बच्चा काम नहीं करता तो कह रही हमने अपने वादे पूरे किए जेडे पैसे दे के रिश्वत दे के ता नौकरियां लगे हुए हैं केड़ा कोई पूछता ही नहीं है इनका कहना है कि रिश्वत दे के जो है नौकरियां मिल रही हैं कोई
पर सरकार यहाँ पे बोल रही है, सरकार बोल रही है यहाँ पे कि हमने अपने वादे किए हैं पूरे। कोई वादा नहीं जी करया, आज तक किसी ने वोट नहीं पानी है कि ना किसी को खड़ना है। चलिए ये बात थी, देखिए कि भी किस तरह से मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वादों में विफल रही है, अपने वादे पूरे नहीं किए। अगर फिर भी 3 महीने का समय है, 4 महीने का समय, जितना भी समय रह गया, अगर कोई वादा पूरा हो गया तो मौजूदा सरकार को क्या वोट डालेंगे? जी वादे पूरे हो गए फिर वोट डाल देंगे, नहीं वादे करे फिर वोट का दी डालनी। असी वोटा बहुत बाबा का थक गए जी, थोड़ा कुछ नहीं बनया है। अब जो सरकार है उन वो आपके वादों में नहीं निकली खरी। आने वाले समय में वोट मांगने के लिए तो सरकार आएगी। आपने कौन कौन से जो मुद्दे सामने रखने हैं? ये पहली मंग साड़ी पानी दी, दूजी मंग साड़ी नालियां दी, तीजी मंग साड़ी छप्पड़ दी। साढ़े हल कर दे, वोट ले लो, नहीं कोई वोट नहीं पाऊंगी। उरे ऐसे ही जाऊंगे मुंह लटका दे। उनका स्वागत करोगे? जो वोट मांगने आएंगे तो किस तरह से स्वागत करोगे? स्वागत असी करना ही, साढ़े बनते कुछ नहीं है। पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं मिलता जी, मैंने तो पेंशन नहीं मिलती। पेंशन मेरे तो मिल रही है ना, कह रहे सर। नहीं नहीं संत मिलती नहीं है। अच्छा, घर बनाने के लिए? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। मेरे 3 साल हो गए जी, 4 मेरी पेंशन टूटी नो, दसो मैं गरीब आदमी किथे न जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मौजूदा सरकार को लेके लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि अपने वादों पर वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो पाई है। जितने वादे किए थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए। इलेक्शंस फिर से आ रहे हैं, फिर से मैदान में उतरेंगे, फिर से वादे किए जाएंगे। अब साफ साफ लोगों की तरफ से मना किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके वादे जो हैं पूरे नहीं होते, गांव का विकास जो है वो अधूरा है। यहां तक कि जो पेंशन के वादे किए जाते हैं वो तक भी नहीं मिल रहे हैं। सो कुल मिलाकर जो भी वादे किए जाते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कैमरा पर्सन रुशपिंदर सिंह के साथ मधु राणा चंडीगढ़ से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।